Hello. ये सेशंस डीटीसीएमए ग्रुप के लिए स्पेशली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आइडिया यहां पर यह है कि इस ग्रुप में, डीटीसीएमए ग्रुप में जो हमारे टैक्सेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनको इनकम टैक्स के कंसेप्ट जो है वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में और अच्छे तरीके से मिल सके। दिस इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस स्मॉल वीडियोस। ओके, आज के इस सेशन में, जैसा कि आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, हम रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बात करने वाले हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस वन ऑफ द फंडामेंटल्स इन इनकम टैक्स, वन ऑफ द बेसिक थिंग इन इनकम टैक्स। ओके, हमें समझना है कि किसी एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे वर्कआउट किया जाता है। हम ये देखेंगे पहले कि किस किस तरह के एसएससी के लिए, कैसी कैसी एंटिटीज के लिए हमें आरएस को एसर्टेन करना होता है, हमें आरएस वर्कआउट करना होता है, रेजिडेंशियल स्टेटस हमें वर्कआउट करना होता है। और उसके बाद इस सेशन में हम ये देखेंगे कि इंडिविजुअल एसएससी के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस वो किस तरीके से निकाला जाता है। ओके, नाउ जो लोग स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, जो लोग वर्किंग हैं, उनको भी अपनी आईटीआर जो है वो हर साल फाइल करनी पड़ती है। और अपनी आईटीआर में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो आपसे डिटेल्स मांगी जाती हैं, उसमें सबसे पहले आपको यही कॉलम भरना होता है कि व्हाट इज योर रेजिडेंशियल स्टेटस, वेदर यू आर ए रेजिडेंट और यू आर ए नॉन रेजिडेंट। तो उन सब के लिए भी, उन सबको भी ये जानकारी देने के लिए मैं आज रेजिडेंशियल स्टेटस किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है इसकी जानकारी आपको दूंगा। नाउ प्लीज सी, दिस इज सेक्शन 6(1) और सेक्शन 6(1) में हम रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल एसएससी के लिए निकाल रहे हैं। ओके, वैसे आरएस जो है वो हमें अपने हर तरीके की जो कमर्शियल एंटिटीज हैं, हर तरीके की जो हमारे एसएससी हो सकते हैं, उन सब के लिए हमें चाहिए होता है। सो दैट मींस आरएस आपको इंडिविजुअल के लिए भी चाहिए, आरएस आपको एचयूएफ के लिए चाहिए, एओपी बीओआईज के लिए चाहिए, फर्म के लिए चाहिए, कंपनी के लिए चाहिए, हर तरह की एंटिटी के लिए आपको उसका आरएस जो है वो चाहिए, राइट? आरएस में डिटेल में जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यह समझनी चाहिए कि हम ये आरएस को पढ़ते क्यों हैं, क्यों रेजिडेंशियल स्टेटस किसी एंटिटी का निकालना जरूरी है। इसका आंसर ये है कि रेजिडेंशियल स्टेटस वर्कआउट किए बिना आप किसी भी एसएससी की ना तो आप उसकी टैक्सेबल इनकम वर्कआउट कर सकते हैं, ना उसकी आप टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर आप किसी एसएससी की उसकी आप टैक्सेबल इनकम वर्कआउट करना चाहते हैं तो उसका प्री रिक्विजिट ये है, उसके लिए सबसे प्राइम कंडीशन यह है कि पहले आपको उस एसएससी का रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आपको उसको निकालना है कि इसका आरएस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर इज दिस। ये भी याद रखो कि हर एक एंटिटी का आरएस हर एक साल के लिए आपको हर बार निर्धारित करना पड़ेगा। इट डज नॉट मीन कि एक आदमी अगर पिछले 5 साल से लगातार रेजिडेंट ही है तो फिर वो नेक्स्ट ईयर 6th ईयर में भी रेजिडेंट होगा। इट डिपेंड्स ऑन सर्टेन कंडीशन कि वो करंट ईयर में रेजिडेंट होगा या फिर कुछ और होगा। ओके, तो इनकम टैक्स में हर जगह ये लिखा हुआ है कि हमें अपने एसएससी के लिए हर साल उसका आरएस किस तरीके से वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा है, उस बेसिस पर वर्कआउट करना होगा, निर्धारित करना होगा। एंड दिस इज एस्टेब्लिशिंग द आरएस ऑफ द एसएससी। इट इज द प्राइम, इट इज the initial step, it is the very first step in computing the taxable income or tax liability of an SSC. Okay, इसलिए अब आपको इसका महत्व तो पता लग गया कि RS जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे कि इंडिविजुअल SSC के केस में RS कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। टाइम सेव करने के लिए ही ये स्ट्रेटेजी है कि जो भी हम चीज आपको दे रहे हैं पहले मोस्ट ऑफ इट वो ऑलरेडी बोर्ड पर लिख दी जाए और आपका टाइम जो है सेव हो। ओके,
سب سے پہلے اب آپ نے فوکس کرنا ہے یہ جو ایک چھوٹا سا کلاسیفیکیشن یہاں بنا ہوا ہے اس کے اوپر. ابھی یہاں پر کیا لکھا ہے اس کو آپ چھوڑ دو, ابھی سمپلی یو مسٹ فوکس اونلی آن دس کلاسیفیکیشن. اوکے, ہم بات کر رہے ہیں ریزیڈینشل اسٹیٹس کی. سیکشن 6(1) میں ہمیں آر ایس بتایا گیا ہے انڈیویجول کا, اور یہ انڈیویجول کے آر ایس کا کلاسیفیکیشن ہے. ناؤ پلیز نوٹ, یہ جو کلاسیفیکیشن ہے یہ دو الگ الگ لیولز پر آپ کو دکھ رہا ہے. ایک اس لائن سے اوپر کا لیول ہے اور ایک اس لائن کے نیچے کا لیول ہے. اس لائن کے اوپر جو لیول ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیویجول کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انڈیویجول ایدھر ہی کوڈ بی ا ریزیڈنٹ اور ہی کوڈ بی ا نان ریزیڈنٹ. کیسے ایک ایس ایس سی انڈیویجول ایس ایس سی ریزیڈنٹ ہوگا یا نان ریزیڈنٹ ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے ذرا اس کلاسیفیکیشن کو اچھی طرح سمجھ لیں. تو انڈیویجول کا جو آر ایس کا کلاسیفیکیشن ہے اس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کا انڈیویجول جو ہے وہ یا تو ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے یا وہ نان ریزیڈنٹ ہو سکتا ہے. اوکے, اگر آپ کا ایس ایس سی نان ریزیڈنٹ ہوا تو یاد رکھیں کہ نان ریزیڈنٹ اپنے آپ میں ایک فائنل سٹیٹس ہے, اور آپ اپنے اس انڈیویجول ایس ایس سی پر یہ سٹیمپ لگا سکتے ہیں, ٹھپا لگا سکتے ہیں کہ اس کا آر ایس فار دس گیون ایئر از اے نان ریزیڈنٹ, ہی از اے نان ریزیڈنٹ ان دس پریویس ایئر. اوکے, لیکن اگر آپ کے انڈیویجول ایس ایس سی کا آر ایس ریزیڈنٹ بنا, یہ کیسے بنے گا یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا, لیکن میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہ ریزیڈنٹ بنا تو ابھی آپ کا کام ختم نہیں ہوا ہے, آپ کو سیکنڈ لیول کا کلاسیفیکیشن کرنا ہوگا. سیکنڈ لیول کے کلاسیفیکیشن میں فردر دیکھو, ہم نے ریزیڈنٹ کو پھر دوبارہ سے دو بھاگوں میں کلاسیفائی کر دیا ہے. ون از آر او آر, آر او آر اسٹینڈس فار ریزیڈنٹ اینڈ آرڈینری ریزیڈنٹ. دس اسٹینڈ فار ریزیڈنٹ اینڈ آرڈینری ریزیڈنٹ. اوکے, دا ادر سائڈ اٹ از آر بی این او آر. اوکے, وین وی سے آر بی این او آر اٹ مینس ریزیڈنٹ بٹ ناٹ آرڈینری ریزیڈنٹ, ریزیڈنٹ بٹ ناٹ آرڈینری ریزیڈنٹ. تو ہمارا جو ریزیڈنٹ ہے اس کے فردر دو حصے ہوں گے, ایک آرڈینری ریزیڈنٹ, ایک ناٹ آرڈینری ریزیڈنٹ. پورا نام ہوگا ریزیڈنٹ اینڈ آرڈینری ریزیڈنٹ, اور اس طرف میں ریزیڈنٹ بٹ ناٹ آرڈینری ریزیڈنٹ. تو یہ پورا کلاسیفیکیشن ہے. اگر آپ نے کلاسیفیکیشن دھیان سے سنا اور سمجھا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈیویجول کے لیے پرائمرلی تین ریزیڈینشل اسٹیٹس ہیں. نمبر ون آر او آر, نمبر ٹو آر بی این او آر, اینڈ نمبر تھری از نان ریزیڈنٹ. اب میں آپ کو بتاؤں گا فرسٹ لیول کا کلاسیفیکیشن ہم کیسے طے کرتے ہیں کہ کیسے یہ آدمی ریزیڈنٹ ہے یا پھر یہ نان ریزیڈنٹ ہے, یہ بات کیسے طے کی جاتی ہے. اوکے, یہ طے کرنے کے لیے ہمیں دو بیسک کنڈیشنز دی ہوئی ہیں. اب آپ نے ان کنڈیشنز کو دیکھنا ہے. دو بیسک کنڈیشنز ہمیں دی گئی ہیں. پہلی کنڈیشن ہے کہ آپ کا ایس ایس سی ریلیونٹ پریویس ایئر میں 182 ڈیز اور مور انڈیا میں ہو, بڑا سمپل ہے. سیکنڈ بیسک کنڈیشن جو ہے اس کے دو پارٹ ہیں. پہلا پارٹ سیکنڈ کنڈیشن کا یہ کہتا ہے کہ ایس ایس سی ریلیونٹ پریویس ایئر میں 60 ڈیز اور مور انڈیا میں ہو, اور دوسرا پارٹ اس سیکنڈ بیسک کنڈیشن کا یہ کہتا ہے کہ ریلیونٹ پریویس ایئر سے پہلے کے چار سالوں میں آپ کا انڈیویجول ایس ایس سی 365 ڈیز اور مور انڈیا میں ہو. تو یہ ہماری دو بیسک کنڈیشن ہیں. اوکے, پہلی کنڈیشن کیا ہے بیسک کنڈیشن, کہ آپ کا انڈیویجول ایس ایس سی ریلیونٹ پریویس ایئر, جس پریویس ایئر کے لیے آپ کام کر رہے ہو اس پریویس ایئر میں 182 دن 182 ڈیز اور مور انڈیا میں ہو. سیکنڈ بیسک کنڈیشن بڑی سمپل ہے کہ ریلیونٹ پریویس ایئر میں 60 ڈیز اور مور, اور ساتھ میں ہی ریلیونٹ پریویس ایئر کے پہلے کے جو چار سال ہیں ان میں 365 ڈیز اور مور انڈیا میں ہو. اوکے, تو بڑا سمپل معاملہ ہے, کوئی دقت جیسی بات نہیں ہے. دیکھیے, اگر آپ کے انڈیویجول ایس ایس سی نے ان دونوں بیسک کنڈیشنز میں سے, صرف آپ کو ان دونوں کو فوکس ابھی کرنا ہے, اگر آپ کے انڈیویجول ایس ایس سی نے ان دونوں بیسک کنڈیشنز میں سے کم ایک بھی پوری کر دی, کم سے کم ایک, تو ایسے کیس میں وہ بن جائے گا ریزیڈنٹ. لیکن اگر آپ کا انڈیویجول ایس ایس سی ایک بھی بیسک کنڈیشن پوری نہ کرے تو ایسے کیس میں وہ بنے گا نان ریزیڈنٹ. ویری سمپل, سمجھ آئے گی بات. اب دھیان سے دیکھو کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. یہاں پر لکھا ہے
कि एनी वन और बोथ ऑफ बेसिक कंडीशंस, अगर आपका इंडिविजुअल एनी वन कोई भी या फिर दोनों की दोनों बेसिक कंडीशंस को पूरा कर रहा हो तो ऐसे केस में वो रेजिडेंट बन जाएगा। मैंने क्या बोला कि कम से कम एक भी पूरी कर दे तो रेजिडेंट है, कम से कम एक पूरी कर दे या दोनों पूरी कर दे, ही वुड बिकम अ रेजिडेंट हियर। नॉन रेजिडेंट कैसे बनेगा? नन ऑफ बेसिक कंडीशंस। जब आपका इंडिविजुअल दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं करता, ऐसे केस में वो नॉन रेजिडेंट बन जाता है। यहां तक बिल्कुल सिंपल, ओके। अब एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनो। देखिए, हर तरह के इंडिविजुअल एसएससी के लिए ये दोनों बेसिक कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल एसएससी ऐसा है, कैसा है, नंबर वन, अगर ये आदमी इंडिया से बाहर रोजगार के उद्देश्य से जा रहा है, इफ ही इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर टू, इफ ही इज लिविंग इंडिया फॉर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अ शिप, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका इंडिविजुअल किसी शिप पर एम्प्लॉयड है, अगर शिप पर एम्प्लॉयड है तो जरूरी है कि शिप जो है वो तो इंडियन पोर्ट से आगे कहीं ना कहीं किसी और देश जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात यहां पर ये है कि अगर आपका इंडिविजुअल एसएससी ऐसा है कि जिसके जो इंडियन ओरिजिन का है, जिसकी इंडियन रूट्स हैं, आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसका इंडियन ओरिजिन है, लेकिन जो आदमी इंडिया के बाहर कहीं ना कहीं किसी और देश में ऑलरेडी सेटल्ड है, और ये आदमी जो है अगर प्रीवियस ईयर में इंडिया में आए, तो ऐसे केस में, ये मैंने तीन अलग अलग सिचुएशन आपको बता दी कि अगर आपका इंडिविजुअल एसएससी क्या है कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस से इंडिया छोड़ के जा रहा हो, नंबर टू मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए शिप हो, नंबर थ्री ये आदमी इंडिया के बाहर ही रहता हो लेकिन करंट ईयर में इंडिया में आया हो, ऐसी तीन सिचुएशंस में, इन तीन सिचुएशंस को हम बेसिक कंडीशंस का एक्सेप्शन बोलते हैं। ओके, दीज आर दी थ्री एक्सेप्शंस ऑफ योर बेसिक कंडीशंस। मैंने आपको बोला, फिर दोबारा से ध्यान से सुन लो, हर तरह के इंडिविजुअल एसएससी के लिए आपको दोनों की दोनों बेसिक कंडीशंस लगाकर देखनी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल एसएससी ऐसा हो जो कि इन तीन पॉइंट्स में कवर हो जाए, या तो वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है किस लिए, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या जा रहा है एज मेंबर ऑफ क्रू ऑफ ए शिप, या फिर वो ऑलरेडी बाहर रहता है और इंडिया में आया है, इन तीन केसेस में हमें याद रखना है कि बेसिक कंडीशन नंबर वन जो है वो इन तीन केसेस में मैंडेटरी रहेगी। मैंडेटरी का मतलब यहां पर यह है कि कब ये बेसिक कंडीशन नंबर वन तो इसको इनको पूरी करनी ही पड़ेगी अगर उनको रेजिडेंट बनना है तो। इन तीन बेसिक कंडीशंस के केस में आपका एसएससी अगर बेसिक कंडीशन नंबर वन पूरी करेगा तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। याद रखो, इन तीन बेसिक कंडीशंस के लिए, इन तीन एक्सेप्शनल केसेस के लिए जो बेसिक कंडीशन नंबर टू है वो इमेटीरियल है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन तीनों के लिए आपने सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर इन तीनों सिचुएशंस में आपका इंडिविजुअल एसएससी रेजिडेंट होना चाहता है तो उसको बेसिक कंडीशन नंबर वन पूरी करनी ही पड़ेगी। दूसरे शब्दों में, ही मस्ट बी देयर इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 182 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इन तीन एक्सेप्शन केसेस में आपका इंडिविजुअल इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा होना ही चाहिए तभी वो रेजिडेंट कहला पाएगा, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। इन तीन केसेस में बेसिक कंडीशन नंबर टू इनके लिए अवेलेबल नहीं है। क्लियर हो गया होगा आपको ये बात अच्छी तरीके से, नोट कर लो अपने हिसाब से। एंड आई एम नाउ टेलिंग यू, इन दीज थ्री कंडीशंस, ओके, दिस कंडीशन नंबर वन इज ओनली देयर एंड दिस कंडीशन नंबर टू This is not there. This condition number two is not there for these exceptions. Only first condition is there for these three exceptions. Okay? इसका conclusion क्या है? इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष बड़ा simple है। ये है कि अगर कोई individual इन तीन categories में fall करे, ऐसे case में उसको 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में होना ही पड़ेगा resident बनने के लिए। जबकि अगर कोई इंडिविजुअल जो कि इन तीन केसेस में फॉल नहीं करता है, कोई अलग है, तो ऐसे केस में वो 182 दिन वाली कंडीशन अगर पूरी नहीं भी करता तो सेकंड कंडीशन भी उसके पास है,
अगर प्रीवियस ईयर में सिर्फ 60 दिन हो लेकिन प्रीवियस ईयर के 4 साल पहले 365 दिन इंडिया में हो तो भी वो रेजिडेंट बन जाएगा। लेकिन इन तीन केसेस में इन वाले इंडिविजुअल एसएससी को इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा होना जरूरी है, तभी वो रेजिडेंट बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, नहीं तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। दैट इज वेरी क्लियर। तो अब हमें इस लाइन से जो ऊपर का क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ गया, हमें पता लग गया कि कैसे हमारा इंडिविजुअल एसएससी या तो रेजिडेंट बनेगा या वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। अगर आपका एसएससी बेस्ड ऑन दीज टू बेसिक कंडीशंस वो नॉन रेजिडेंट बना तो आपका काम खत्म हो गया है, आप सील कर सकते हो, आप स्टैंप लगा सकते हो कि ये वाला एसएससी इस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर के लिए नॉन रेजिडेंट है। एक पॉइंट यहां पर था कि ये इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब होता है, इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुन लें। इंडियन ओरिजिन, इंडियन रूट्स का मतलब यह है कि ईदर दिस एसएससी, दिस इंडिविजुअल और एनी ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, अगर इनमें से कोई भी इंडिया में पैदा हुआ है तो हम कहेंगे कि इस एसएससी का इंडियन ओरिजिन है। और जब हम बात करते हैं कि इंडिया में पैदा हुआ है तो अगर एसएससी के हम ग्रैंड पेरेंट की बात करें तो वो जरूर उनका जन्म जो है 1947 से पहले का होगा। अगर 1947 से पहले का जन्म है फादर का या ग्रैंड फादर्स का या ग्रैंड मदर का या मदर का, ऐसे केस में आपने ध्यान रखना है कि अगर इनका बर्थ 1947 से पहले का है तो 1947 से पहले जो इंडिया था अनडिवाइडेड इंडिया ही आपको रेफर करना है। दैट मींस एक आदमी एक्स है यूएसए में जाके सेटल हो चुका है, वहीं पर रहता है, उसकी फैमिली, उसका घर सब कुछ वहीं है, ओके, और अब वो इस साल में इंडिया में आया है, ठीक है। मान लीजिए ये जो आदमी एक्स है इसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, इसके ग्रैंड फादर जो थे वो लेट अस सपोज के 1942 में और लाहौर में पैदा हुए थे, लाहौर अब तो पाकिस्तान में है लेकिन 1942 में लाहौर वाज पार्ट ऑफ इंडिया, देयर वाज नो पाकिस्तान दैट टाइम, ओके। तो जब भी 47 से पहले का बर्थ आप देख रहे हैं तो आपने याद रखना है कि यू मस्ट रेफर दी अनडिवाइडेड इंडिया, 47 के बाद ही इंडिया और पाकिस्तान ये सब अलग हुए हैं, ओके। लेकिन अगर इससे पहले का बर्थ है देन यू मस्ट रेफर इंडिया व्हाट इंडिया वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको अनडिवाइडेड इंडिया को ही रेफर करना होगा, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, द सेकंड लेवल, अगर आपका एसएससी जो है वो रेजिडेंट बना तब हमें फर्दर क्लासिफाई करना होगा। इंडिविजुअल के केस में अगर हम अपने एसएससी को सिर्फ रेजिडेंट बोल दें तो हम टेक्निकली गलत हैं, बिकॉज रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में कोई सेंस नहीं रखता। ईदर द इंडिविजुअल ही वुड बी रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर वो होगा RBNOR, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ रेजिडेंट बोल देना कंफ्यूजिंग है, तो रेजिडेंट कुछ नहीं होता इंडिविजुअल के केस में। ईदर ही वुड बी ROR और ही वुड बी RBNOR। तो अब हम ये चेक करने वाले हैं कि अगर फर्स्ट लेवल क्लासिफिकेशन में आपका इंडिविजुअल जो है वो रेजिडेंट बना तो कैसे हम तय करेंगे वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट और ही इज अ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये चेक करने का तरीका क्या है, प्लीज नोट, ये चेक करने के लिए हमारे पास में है एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस, ओके। कौन कौन सी एडिशनल कंडीशंस हैं? बड़ी सिंपल एडिशनल कंडीशंस है। एडिशनल कंडीशन नंबर वन, पिछले 7 साल में आपका एसएससी 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में हो। जब हम कहते हैं पिछले 7 साल तो याद रखना है कि इसमें हम अपना जो करंट प्रीवियस ईयर है, जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, उसको नहीं काउंट करते, बल्कि रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जो पहले के 7 साल हैं हम उनको काउंट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रीवियस ईयर 18-19 है तो हमने इस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 18-19 को नहीं देखना है, बल्कि हमें 18-19 से पहले मतलब 17-18 और उससे पहले के साल हमें देखने हैं। 18-19 प्रीवियस ईयर को जस्ट इग्नोर कर देना है। रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से जो पहले के 7 साल है उनमें आपका एसएससी 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। सो द फर्स्ट कंडीशन इज 730 डेज और मोर ड्यूरिंग, आई वुड राइट हियर एज लास्ट 7 इयर्स, ड्यूरिंग लास्ट 7 इयर्स। और मैंने आपको समझा दिया, जब मैंने लास्ट 7 ईयर लिखा है इसका मतलब रेलेवेंट प्रीवियस ईयर को काउंट नहीं करना, उससे पहले के 7 साल लेने हैं। अगर 18-19 आपका रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है तो उसको छोड़ दो, 17-18 और उससे पहले के 6 साल और ले लो, ओके। दिस इज एडिशनल कंडीशन नंबर वन। एडिशनल कंडीशन नंबर टू इज दैट योर एसएससी ही शुड बी अ रेजिडेंट,
in at least 2 out of 10 previous years. Okay, so resident in at least 2 previous years out of last 10 previous years. Now again I am writing last, that means relevant previous year ko nahi dekhna, usse pehle ke 10 saal dekhne hain. और उससे पहले के 10 सालों में आपका एसएससी जो है वो कम से कम 2 साल में रेजिडेंट हो. रेजिडेंट कैसे होगा, कैसे चेक करोगे? रेजिडेंट चेक करने के लिए आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या उसने बेसिक कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन को पूरा किया है. अगर बेसिक कंडीशन को पूरा किया है दैट मींस ही इज अ रेजिडेंट फॉर दैट ईयर. आई एम अगेन रिपीटिंग पॉइंट नंबर 2, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में, इनमें से कम 2 सालों में आपका एसएससी रेजिडेंट होना चाहिए. ये 2 हमारे पास एडिशनल कंडीशंस हैं. ओके, अब कैसे एसएससी ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनेगा और कैसे नॉट ऑर्डिनरी बनेगा? अगर आपका इंडिविजुअल एसएससी जो है वो इन दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा कर दे, ऐसे केस में ही वुड बिकम आरओआर. सो आई वुड राइट हेयर बोथ ऑफ एसी. अगर आपके इंडिविजुअल ने दोनों की दोनों एसी कंडीशन पूरी कर दी तो ऐसे केस में वो बन जाएगा आरओआर, और अगर दोनों कंडीशन पूरी नहीं की हैं ऐसे केस में वो रहेगा RBNOR. इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एसएससी जो है इन दोनों में से कोई एक पूरी कर भी दे तब भी वो RBNOR रहेगा. ROR होने के लिए ये दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी जरूरी है. सो यहां पर आई वुड राइट अ वेरी सिंपल थिंग, बोथ ऑफ एडिशनल कंडीशन ही वुड बिकम ROR. RBNOR कैसे बनेगा? एनीवन और नन ऑफ एसी, जब वो कोई एक या कोई भी पूरी नहीं कर रहा ऐसे केस में वो बन जाएगा RBNOR. ये क्लासिफिकेशन सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा. अब मैं आपके लिए एक फाइनल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं कि कब एक इंडिविजुअल एसएससी जो है वो बनेगा ROR. देयर आर 3 मेन स्टेटस, ROR, RBNOR और नॉन रेजिडेंट. तो एक इंडिविजुअल ROR कब बनता है? एक इंडिविजुअल ROR तब बनता है जब वो बेसिक कंडीशंस में से एटलीस्ट एक पूरी करे. सो आई वुड राइट हियर एटलीस्ट 1 ऑफ BC प्लस बोथ ऑफ AC. जब वो बेसिक कंडीशन में से कोई एक पूरी कर ले, कम से कम कोई एक, और दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी कर ले तो ऐसे केस में वो बना ROR. RBNOR कैसे बना? RBNOR बना एटलीस्ट 1 ऑफ द बेसिक कंडीशन, ये तो जरूर पूरी करे तभी तो रेजिडेंट बनेगा. प्लस हम यहां पर ये कहेंगे कि ईदर ही वुड सेटिस्फाई एनीवन और नन ऑफ AC, एनीवन और नन ऑफ एडिशनल कंडीशंस. ओके, थर्ड स्टेटस विच इज ऑफ नॉन रेजिडेंट. आपका इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट कब बनेगा? जब वो दोनों में से कोई भी बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा ऐसे केस में ही वुड बी नॉन रेजिडेंट. सो आई वुड राइट नन ऑफ BC. ओके, यू मे फाइंड दैट आई एम स्पीकिंग एट अ वेरी यू नो एट अ स्लाइटली हायर पेस. जो यूजुअली पेस रहता है क्लास का उससे थोड़ा सा पेस मैंने आपको ज्यादा दिया है, लेकिन आपने ये भी देखा कि हर इंपॉर्टेंट चीज मैंने कम से कम 2 बार या 3 बार आपके लिए रिपीट की ताकि आप इन बातों को अच्छी तरह समझें. आइडिया ये है कि हमारा सेशन जो है वो कम से कम टाइम का रहना चाहिए जिसमें आपको कंसेप्ट की पूरी क्लैरिटी मिले. ओके, RS ऑफ इंडिविजुअल ये हमने यहां पर पूरी तरीके से कवर कर लिया, और इससे नेक्स्ट सेशन में अब हम मिलते हैं. Thank you very much for this session.